सर 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 सईद अल्ताफ जी अल्ताफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलेक्शन के लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं ये जो आज का इलेक्शन है असेंबली के लिए जो 10 साल के बाद हो रहा है जम्मू कश्मीर के लिए एक नया बाब शुरू होगा। मुझे पुख्ता यकीन है कि जो लोग चुने जाएंगे वो लोगों के जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी करेंगे। तो सेकंड फेज में हम आज पहुंचे हैं तो फर्स्ट फेज हुआ है तो आप अपनी पार्टी को कहां पे देख रहे हैं? मैंने हमेशा कहा अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सियासत में एक फलक्रम का रोल अदा करेगी। वो फलक्रम हमेशा से रही मैं कहता रहा हूं 2019 के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक फलक्रम का रोल अदा कर रही है। यूएस डेलीगेशन अभी मॉनिटर कर रही है यहाँ के इलेक्शंस, वो अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कश्मीर में लैंड किया है, कैसे देखते हैं इस चीज को? हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जम्मू कश्मीर के लोग उसको मॉनिटर करने चाहे, एक चीज मैं आपको बता दूं, फ्री और फेयर हमने पहला फेज देखा, इंशाल्लाह दूसरा फेज भी फ्री एंड फेयर होगा। मुझे नहीं लगता है अमेरिका से हम अच्छी जमहूरियत है, अमेरिका वालों की जमहूरियत तो हम देखते हैं बंदूक की नोक से वहाँ चल रही है, यहाँ अल्लाह के फजल से आपने ऐसा कुछ नहीं देखा। 2019 से पहले हमने देखा है यहाँ के युवा जो है वायलेंस का शिकार हुआ करते थे, लेकिन अब वही युवा इलेक्शन कैंपेन्स में आ गया है, कैसे इस पॉजिटिव चेंज को आप देख रहे हैं? इस पॉजिटिव चेंज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना चाहिए और हमें उनका इज्जत और वेकार बरकरार करना रखना चाहिए। और हमें जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ हमें एक आम माफी का ऐलान करना होगा ताकि उनकी हैरेसमेंट बंद हो जाए, उनके पासपोर्ट इशू हो जाए, उनकी वेरिफिकेशन इशू हो जाए, नॉर्मल जिंदगी हिंदुस्तान का हर एक शहरी जीता है। हम लोग किसी और मीन से करें लेकिन आज सब वोट पे वापस पहुंचे और मैं मुबारकबाद दी देता हूं उन सब लोगों को जो इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। अल्ताफ साहब सुबह से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में शहर खास में नौजवान बाहर आकर वोट दे रहे हैं, तो इसको आप किस नजरे से देख रहे हैं? ये खुश आइन बात है, इंशाल्लाह मुझे लगता है अल्लाह के फजल से ये जम्मू कश्मीर रियासत के लिए बड़ी अच्छी बात है। देखिए लोग अभी यकीन कर रहे हैं कि ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी, लेकिन कल को जो सरकार बनेगी उसको सोचना होगा कि ये 16 लाख युवा जो बैठा हुआ है पढ़ा लिखा हुआ युवा उनको कैसे रोजगार फराम किया जाए, इज्जत वाला रोजगार फराम किया जाएगा, उनकी पकड़ दकड़ बंद करनी होगी। बाकी तो डेवलपमेंट तो हर सरकार का कर्तव्य होता ही है। जैसे आपने डोर टू डोर कैंपेन्स की, अभी आप यूथ से भी मिले, यूथ क्या चाहता है, क्या आप कश्मीर का युवा चाहता है? कश्मीर का युवा ये चाहता है कि उसे भी शांति से रहने दिया जाए, जिस तरह हिंदुस्तान का हर एक युवा रहता है उसको भी वही हकूक दिए जाए जो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को है। थैंक यू वेरी मच।